हाँ हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक और एटम की प्रॉपर्टीज जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता क्या, इसके पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? सबसे पहला पढ़े हम लोग एटॉमिक नंबर साइज, दूसरा क्या पढ़े हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, तीसरा क्या पढ़े हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में पढ़े हैं, तीसरा चौथा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता क्या है सबसे पहले हम ये जानेंगे, उसके बाद से उसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन टू इट सेल्फ इन ए कंपाउंड। अब देखो ये तो हो गया डेफिनेशन, इसका मतलब क्या है? ये कह रहा है कि एटम की वह टेंडेंसी जिसके द्वारा वो एटम शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करे, अपने ओर अट्रैक्ट करे। हम लोग जानते हैं केमिकल बॉन्डिंग में कोई भी बॉन्ड कब बनता है, जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे ये क्या है, एक एटम है ये कार्बन का एटम है, एक एटम ये फ्लोरीन का एटम है। तो यहाँ पे कार्बन और फ्लोरीन में क्या होगा, कंपटीशन होगा कि ये दोनों शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करें, अपने तरफ खींचे। ठीक है, तो अब ये दोनों शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन किसके तरफ जाएंगे, ये चले जाएंगे फ्लोरीन के तरफ। ठीक है, क्यों जाएंगे ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग इसको रखेंगे, आगे चल के EN लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखो जैसे यहां पे है, ये कौन सा कंपाउंड है, ये HCl है। ठीक है, अब देखो यहां पे बना है ये HCl। HCl का फॉर्मेशन एक इलेक्ट्रॉन H का, एक इलेक्ट्रॉन Cl के हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों कौन से हो गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर हो गए। क्या है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब इसके बाद से H और Cl में कंपटीशन होगा कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की। ठीक है, तो यहां पे क्या करेगा, ये Cl अपने तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्ट अट्रैक्ट Cl एटम। ठीक है, अब देखो जब ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, Cl दोनों शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो जैसे हम इस फिगर में देख रहे हैं, जो अट्रैक्ट करेगा उस पे कौन सा आ जाएगा, जो अट्रैक्ट करेगा उस पे आ जाएगा पार्शियल निगेटिव चार्ज, और जो लूज करेगा उस पे कौन सा आ जाएगा, उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जो अट्रैक्ट करेगा उस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज, जो लूज करेगा उस पे कौन सा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये पार्शियल क्यों आता है, क्योंकि ये परमानेंट अट्रैक्ट नहीं करते हैं, ये टेम्पोररी अट्रैक्ट होता है। ठीक है, परमानेंट नहीं होता है। तो जो अट्रैक्ट करेगा उस पे कौन सा चार्ज आएगा, उस पे पार्शियल निगेटिव आएगा, जो लूज करेगा उस पे कौन सा आएगा, उस पे पार्शियल
पार्शियल पॉजिटिव आएगा। जो अट्रैक्ट करेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी बॉन्ड में शेयर पर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह रहे हैं। तो अगर कोई एटम अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, उसका ज्यादा होगा, तभी वो अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हो गया। इसी तरह एक और देख लो यहाँ पे, ठीक, एच एफ कंपाउंड, जैसे एच कामा एफ है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन एच डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एफ डोनेट करेगा, ठीक है। ये कौन से इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हो गए शेयर्ड, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन हो गया, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। देखो अब ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चले जाएंगे, ये फ्लोरीन के तरफ चले जाएंगे, ठीक है, फ्लोरीन के तरफ चले जाएंगे। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे, ठीक है, फ्लोरीन की इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे। अब इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस पे आ जाएगा पार्शियल, ये साइन होता है पार्शियल नेगेटिव का, ये साइन होता है पार्शियल पॉजिटिव का। जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा उस पे कौन सा चार्ज आएगा, उस पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन किसका है, फ्लोरीन का, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन हो गया, ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन हो गया, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। इसको कौन अट्रैक्ट कर ले रहा है, इसको फ्लोरीन अट्रैक्ट कर ले रहा है। तो देखो फ्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ रहा है, ये है पार्शियल निगेटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव चार्ज, ठीक है। इस पे कौन सा चार्ज आ जा रहा है, ये है पार्शियल, ये है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसपे क्या हो रहा है, ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं जिसपे ये डिपेंड कर रहा है। अब हम पढ़ेंगे यहां पे फैक्टर विच अफेक्ट द ईएन, ठीक है, ईएन। तो हम देखो दो फैक्टर होते हैं जो ईएन को अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर कौन सा है, पहला है एटॉमिक साइज। दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। अब देखो पहली प्रॉपर्टी हम आपको बता रहे हैं, सपोज करो एटॉमिक साइज के बारे में बताया जा रहा है, एटॉमिक साइज। अब सपोज करो ये कोई एटम है, इसका न्यूक्लियस है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका साइज इतना छोटा है, ठीक है। एक और एटम हम ले लेंगे यहां पे, ये न्यूक्लियस है, इसका साइज इतना बड़ा है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है,
तो कौन जल्दी अट्रैक्ट करेगा? ये जल्दी अट्रैक्ट करेगा, ये कौन सा? पाला वाला फर्स्ट जल्दी अट्रैक्ट करेगा सेकेंड के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में जितना ही ज्यादा डिस्टेंस होगा अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप साइज बढ़ाओगे तो क्या होगा? वो तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करना क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों डिफिकल्ट हो जाएगा? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स उस पर नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया साइज का कंसेप्ट, साइज का। ठीक है, साइज वाला हो गया ये कंसेप्ट। इसको हम लोग एक सिंपल डेफिनेशन में लिख सकते हैं, ई एन मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द एटम। ठीक है, साइज ऑफ द एटम। मतलब जितना एटम का साइज छोटा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। और जितना साइज का एटम का साइज बड़ा होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? यहां पे एक बार हम लोग देख लेंगे इसको। यहां पे ये थोड़ा सा करेक्शन है, ई एन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वन ऑफ द साइज ऑफ एटम। ठीक है, साइज ऑफ द एटम मतलब एटम का साइज ज्यादा होगा ई एन इफ ई एन इज मोर देन साइज क्या होगा? कम होगा। ठीक है, अगर दूसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, ये इफ ई एन इज लेस देन द साइज क्या होगा? ग्रेटर होगा। मतलब क्या होगा? साइज ग्रेटर होगा। किस पे डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? साइज पे डिपेंड कर रहा है। साइज के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम साइज को बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा? कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा? क्योंकि जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कम होता जाएगा न्यूक्लियस और शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक है, न्यूक्लियस और शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जाएगा? वो कम होता जाएगा। ये हो गया साइज का। अब हम देखेंगे इसके दूसरी प्रॉपर्टी, न्यूक्लियर चार्ज ई एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज ये कब फॉलो होता है? फॉर फॉर द सेम पीरियड, फॉर द सेम पीरियड्स के लिए। वी नो डैट, हम जानते हैं, वी नो डैट when we move from left to right, अगर हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं पीरियाडिक टेबल में तो क्या होता है? उसमें न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। देन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो हम जानते हैं कि साइज क्या होगा एटम का? डिक्रीज हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा एटम का? डिक्रीज हो जाएगा। एटम का साइज जब डिक्रीज हो जाएगा, साइज जब डिक्रीज हो जाएगा एटम का, तो क्या होगा? शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होगा और जो न्यूक्लियस होगा उसके बीच भी डिस्टेंस कम हो जाएगा। जब डिस्टेंस कम हो जाएगा तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा तो इजिली क्या करेगा? वो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा।
तो जब भी हम पीरियाडिक टेबल में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। जब एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा EN, मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यूक्लियर चार्ज के। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। EN अगर इंक्रीज कर रहा है कहीं पे, अगर EN इंक्रीज कर रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर EN डिक्रीज कर रहा है, EN डिक्रीज कर रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये किसके लिए है, फॉर द सेम पीरियड्स के लिए है। ये किसके लिए है, पीरियड्स के लिए है। अब देखो ये दोनों फैक्टर क्या होगा, जिस पे डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये दोनों फैक्टर हैं जिस पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। अब हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ द EN इन ए ग्रुप्स में वेरिएशन कैसा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है, ये हम वेरिएशन पढ़ेंगे। यहां पे देखो आप लोग, यहां पे ये है फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट्स, ये है फर्स्ट ए ग्रुप का। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जैसे हम मूव करेंगे हाइड्रोजन से लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, तो यहां पे क्या कर रहा है, साइज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। ठीक है, इसमें साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, जैसे हम लोग यहां से यहां पे मूव कर रहे हैं। तो जब साइज इंक्रीज करेगा तो जो यहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है और जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होगा उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। जब अट्रैक्शन फोर्स वीक हो जाएगा तो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करना क्या हो जाएगा, वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए जब भी हम ग्रुप में टॉप से बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है, क्योंकि वहां पे एटम का साइज बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम लोग ये लिखेंगे वेरिएशन में इन ग्रुप्स व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन क्या होगा बताओ, देन साइज क्या करेगा, देन साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेज। सो इसलिए क्या होगा, सो द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन वीकर क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। जब ये डिक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करना क्या होगा और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम लोग जब भी मूव करते हैं ग्रुप में टॉप से बॉटम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी हमेशा। ठीक है, जब भी हम लोग टॉप से बॉटम मूव करेंगे किसी भी ग्रुप्स में पीरियाडिक टेबल में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा।
क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एक और देख लो वेरिएशन इसमें, अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्यों डिक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसका सिंपल जवाब क्या होगा, क्योंकि जब भी हम लोग ग्रुप में मूव करते हैं टॉप से बॉटम, तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो साइज ऑफ द एटम बढ़ेगा, जब साइज ऑफ द एटम बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन करेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो जो न्यूक्लियस है और जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है उसके बीच डिस्टेंस क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो और डिफिकल्ट हो जाएगा उसको अट्रैक्ट करना न्यूक्लियस के लिए, ठीक है। तो साइज के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहाँ पे, जैसे साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, वो डिक्रीज करेगी किसी भी ग्रुप में। अब हम यहां पे पढ़ लेते हैं एक वेरिएशन, वेरिएशन वेरिएशन ऑफ ईएन ईएन इन ए पीरियड्स, इन ए पीरियड्स, तो हम जानते हैं इन ए पीरियड्स, इन ए पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, इंक्रीज करता है, सो साइज ऑफ द एटम, साइज ऑफ द एटम डिक्रीजेज, एटम डिक्रीजेज, जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो साइज ऑफ द एटम क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। और सपोज करो हम किसी भी पीरियड्स में मूव कर रहे हैं, किसी भी पीरियड में मूव कर रहे हैं लेफ्ट से राइट साइड में, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देख लो यहां पे, ये हो गया इन 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 सेकेंड पीरियड, इन सेकेंड पीरियड्स, ठीक है। देखो जैसे सेकेंड पीरियड्स के एलिमेंट कौन है, लिथियम है, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो हम यहां से यहां मूव करेंगे, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, साइज क्या करेगा, साइज डिक्रीज करेगा, तो ईएन क्या होगा, ईएन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्यों इंक्रीज करेगा, जब साइज डिक्रीज करेगा एटम का तो न्यूक्लियस और शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो जो अट्रैक्शन फोर्स होगा न्यूक्लियस और शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, जब अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज करेगा तो वो इजिली क्या करेगा, उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो जब भी हम किसी भी पीरियड्स में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमेशा इंक्रीज करेगा, क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसका रीजन है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, ठीक है। ये वेरिएशन हो गया किसी भी ग्रुप में। जैसे एक और यहां पर देख लो आप, यहां पर एक देखो, यहां पर है थर्ड पीरियड्स एलिमेंट है, ये है सोडियम, ठीक है। सोडियम जैसे हम इस साइड में मूव करेंगे, इस साइड मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज करेगा, जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो देखो क्या हो रहा है, साइज ऑफ द एटम, साइज ऑफ द एटम डिक्रीज करेगा, जब एटम का साइज डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस और जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होगा उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज करेगा, जब अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज करेगा
तो वो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इजिली अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये हो गया वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप्स एंड वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ए पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये हो गया वेरिएशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेटालिक कैरेक्टर, क्या होगा मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर के बारे में, मेटालिक कैरेक्टर होता क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग चार कैरेक्टर पढ़ चुके हैं। मेटालिक कैरेक्टर टेंडेंसी टू, मेटालिक कैरेक्टर होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म ए यूनिपॉजिटिव आयंस। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, मेटालिक कैरेक्टर बोलेंगे। ठीक है, देखो अब देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन कब लूज करेगा अपना, कोई भी इलेक्ट्रॉन कब लूज करेगा, जब न्यूक्लियस और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में फोर्स क्या होगा, जब वीक होगा, जब फोर्स वीक रहेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, तभी क्या होगा वो इलेक्ट्रॉन को इजिली लूज कर पाएगा। फोर्स अट्रैक्शन फोर्स लूज होने के लिए क्या कंपल्सरी है, उसका साइज बड़ा हो, क्या हो न्यूक्लियस का एटम का साइज बड़ा हो। ठीक है, तभी क्या होगा न्यूक्लियस और जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आपने इलेक्ट्रॉन को इजिली लूज कर सकता है। ठीक है, ये हो गया। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म ए यूनिपॉजिटिव आयन इज कॉल्ड मेटालिक कैरेक्टर ऑफ ए एलिमेंट्स। ठीक है, ये कौन सा कैरेक्टर है, मेटालिक कैरेक्टर है। अब हम देखेंगे कि मेटालिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है। जैसे एक और एग्जांपल यहां पे देख लो, जैसे ये सपोज करो ये है सोडियम, ये है सोडियम, ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके किसमें चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा सोडियम आयंस में, ये क्या है यूनिपॉजिटिव आयंस, ये क्या है यूनिपॉजिटिव आयंस है। इसी तरह और हम देख सकते हैं ढेर सारा एग्जांपल जिसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और किसमें चेंज हो जाएगा, ओ पॉजिटिव आयंस में चेंज हो सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ द, यहां पे वेरिएशन ऑफ मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर, वेरिएशन ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें वेरिएशन इन ए ग्रुप की, ग्रुप में वेरिएशन क्या होगा, क्या होगा। अब देखो जैसे अभी हम पढ़े हैं फर्स्ट ग्रुप का ही ले लो, फर्स्ट ग्रुप लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम। ठीक है, तो अब देखो जैसे हम यहां से मूव करेंगे फ्रॉम, साइज क्या होगा, साइज इंक्रीज, क्यों नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा इसलिए साइज क्या होगा इंक्रीज करेगा। ठीक है, जब साइज इंक्रीज करेगा तो जो न्यूक्लियस होगा और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। जब अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, वो इजी हो जाएगा। तो यानी जो सीजियम हुआ इसका क्या होगा, ये तो सबसे इजीली क्या कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, सीजियम लूज मोस्ट इजीली इट्स आउटर इलेक्ट्रॉन।
सीजियम क्या करेगा, मोस्ट इजिली लूज कर देगा अपने ग्रुप्स में। और इसी तरह लिथियम क्या करेगा, लिथियम क्या करेगा, लूज इलेक्ट्रॉन डिफिकल्टी, डिफिकल्टी क्या करेगा, ये डिफिकल्टी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। क्यों क्यों करेगा, क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है और सीजियम का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। अब साइज क्यों बड़ा हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग, ये सब पढ़ चुके हैं। जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा तो जो न्यूक्लियस है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में क्या होगा, वो अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाएगा। जब अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्या हो जाएगा, वो इजी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया वेरिएशन इन ए ग्रुप्स। ठीक है, वेरिएशन इन ए ग्रुप्स ऑफ मेटालिक करेक्टर। तो अब हम यहां पे लिख सकते हैं इट इज, इसी में इट इज मोस्ट मेटालिक, इट इज मोस्ट मेटालिक इन इन ए ग्रुप्स, इन ए ग्रुप्स। ठीक है, ये क्या होगा, मोस्ट मेटालिक हो जाएगा किसमें, अपने ग्रुप में। और ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ये लिस्ट मेटालिक, लिस्ट मेटालिक, लिस्ट मेटालिक इन फर्स्ट ए ग्रुप। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट ए ग्रुप में लिथियम क्या हो जाएगा, लिस्ट मेटालिक हो जाएगा, और सीजियम क्या हो जाएगा, मोस्ट मेटालिक हो जाएगा। क्यों मोस्ट मेटालिक होगा, क्योंकि वो साइज उसका सबसे बड़ा है, तो अपने इलेक्ट्रॉन को इजिली लूज कर सकता है। अब देखो यहां पे और हम लोग लिख सकते हैं इन ए ग्रुप्स, इन ए ग्रुप्स, इन ए ग्रुप्स, इन ए ग्रुप, इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉटम मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम के हो जाएगा। एटम का साइज जितना बड़ा होगा उतना ही क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर उसका ज्यादा होगा। ये किसके लिए है, फॉर सेम, इसके लिए फॉर द सेम ग्रुप्स है। अब ग्रुप में साइज क्यों बढ़ रहा है, ये हो सकता है, तो साइज क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं। जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, तो इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता हो। ये हो गया मेटालिक कैरेक्टर इन ए ग्रुप्स। अब हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ, वेरिएशन ऑफ, वेरिएशन ऑफ, वेरिएशन ऑफ मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर इन ए पीरियड्स, इन ए पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट जाने में उसका वेरिएशन क्या होगा मेटालिक कैरेक्टर का। तो हम जानते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज, साइज डिक्रीजेज। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, इंक्रीज करता है। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो क्या करेगा, अपने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या करेगा, और टाइटली बॉन्डेड करेगा। जब टाइटली बॉन्ड कर लेगा तो उसको क्या होगा, निकालना और कठिन हो जाएगा। तो इसलिए जब भी हम लोग लेफ्ट से राइट मूव करते हैं किसी भी पीरियड्स में, तो वो क्या होता है, उसका मेटेलिक करेक्टर कम होता है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे इसी का
लिथियम, ठीक है, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है, ये हो गया। अब देखो हम जैसे ही इस साइड में मूव करेंगे, साइड मूव करेंगे, तो ये साइज क्या होगा, साइज डिक्रीज करेगा। साइज क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि किसी भी पीरियड्स में, फॉर द सेम पीरियड्स पीरियड्स मेटेलिक करेक्टर डिपेंड अपॉन न्यूक्लियर चार्ज। अब ये रिलेशन एक होता है, देख लो यहां पे, मेटेलिक करेक्टर हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वन ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। ये किसके लिए है, ये है फॉर ए सेम पीरियड्स एलिमेंट्स, ठीक है। तो देखो जैसे हम मूव करेंगे, यहां पे लिथियम से बेरिलियम जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो क्या करेगा, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को और टाइटली बाउंडेड कर लेगा। तो इससे क्या होगा, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसको रिलीज करना और क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। इसलिए मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज करता है जब भी हम लोग पीरियड्स में मूव करते हैं लेफ्ट से राइट साइड में, ठीक है। ये हो गया वेरिएशन ऑफ द मेटेलिक करेक्टर इन ए ग्रुप्स इन ए पीरियड्स, ठीक है, ये हो गया वेरिएशन। इसी तरह देख लो एक और एग्जांपल। अब इसमें पूछ सकता है कि मोस्ट मेटेलिक करेक्टर किसका होगा, पूरे पीरियाडिक टेबल में मोस्ट मेटेलिक करेक्टर क्या होगा। तो पूरे पीरियाडिक टेबल में सबसे बड़ा साइज किसका है, सीजीएम का है। तो सबसे बड़ा साइज अगर सीजीएम का है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इजिली लूज कर सकता है, ठीक है, इजिली लूज कर सकता है, ठीक है, ओके।